नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आप सभी का पल पल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम इसी तरह के वीडियोस और खबरें आप तक लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी हुए तो क्या हुआ, गरीबों की आवाज़ दबा नहीं सकते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता दरबार लगा करके करनाल में ये बात जन समस्याएं सुनते समय कही। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अफसर हो तो क्या हुआ, एक गरीब की आवाज़ नहीं सुनोगे, एक गरीब की बात नहीं सुनोगे। हमें कर्मचारियों के व्यवहार को ठीक करना आता है। हमारा कार्य जरूरतमंद की सहायता करके उसकी आवाज़ को बुलंद करना है। मुख्यमंत्री ने मोदीपुर गाँव के चकबंदी पटवारी नफे सिंह के खिलाफ रिश्वत की आई शिकायत पर उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं त्रावड़ी की रहने वाली जय देवी के पिछले एक साल से पेंशन न मिलने के कारण मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि इसकी जांच की जाए। यदि जांच में जिला समाज कल्याण अधिकारी की गलती पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और यदि आवेदक की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में घरौंदा के विधायक हरविंदर कल्याण द्वारा, रोडवेज के GM द्वारा आम जनता की अनदेखी करने की बात पर उन्हें अंतिम चेतावनी दी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को नई अनाज मंडी करनाल में जनता दरबार लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुन रहे थे तथा अधिकतर समस्याओं का निवारण भी मौके पर किया। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में आई करीब 121 समस्याओं को सुना और अधिकारियों के सहयोग से उनका निवारण किया। जिन समस्याओं का निवारण मुख्यालय से होना था वह अपने साथ ले गए। जनता दरबार के दौरान करीब 450 लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को दिए और उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि आपकी इन शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द होगा। मुख्यमंत्री ने पंचायती जमीन पर कब्जा संबंधी मामले में संज्ञान लेते हुए नीलोखेड़ी के BDPO को निर्देश दिए हैं कि सरकारी या पंचायती जमीन पर कब्जा हो जाता है परंतु अधिकारी देखते रहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो अपने सामने पंचायत व सरकारी जमीन पर कब्जा करवाते हैं। उन्होंने सभी BDPO को निर्देश दिए कि वे पहले निशानदेही करवाकर पंचायती जमीन पर हो रहे कब्जे को छुड़वाएं। श्याम नगर वासी गोपाल कृष्ण ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रीतम नगर के पार्क का कार्य जल्द शुरू करवाने एवं श्याम नगर में बरसाती सीजन के दौरान होने वाले जल भराव के स्थायी समाधान के संबंध में शिकायत मुख्यमंत्री को दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम के आयुक्त को उक्त कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में पुलिस संबंधी कई मामले आए, उनके निवारण के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए और वे स्वयं इन मामलों को देखेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। मित्रों, मैं आज सुबह 9 बजे से और जिले भर के लोगों को एक सूचना दी गई थी कि जनता दरबार में उनकी कोई शिकायतें कंप्लेंट्स हों, तो लगभग 100 शिकायतें तो मैंने व्यक्तिगत रूप से सुनी हैं। संबंधित अधिकारियों को जो निर्देश देने थे वो सब दिए गए हैं। कुछ समस्याएं तुरंत हल की गई हैं और कुछ जो डिपार्टमेंट ने करनी है वो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो टाइम बाउंड तरीके से उनको हल करें। और लगभग 400 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखित में अपनी कंप्लेंट्स और दी हैं, वो भी विभाग के अनुसार उसका अध्ययन करने के बाद सबको भेजी जाएंगी और जितना जल्दी हो सकेगा उन सबकी कंप्लेंट्स, किसी की थाने की कंप्लेंट है, किसी की ज़मीन की कब्जे की कंप्लेंट है, कुछ नौकरी के नाते से कुछ लोगों के रिजल्ट्स निकले हैं तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कहीं कुछ चीज़ें कोर्ट में भी अभी फंसी हुई हैं, हम इन सब पर एक एक करके इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे और बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। मुझे एक जानकारी मिली कि जो हमारा स्टेडियम का जो ऑडिटो इसका स्टेडियम का काम है, कर्ण स्टेडियम का, वो थोड़ा स्लो चल रहा है और उसका स्वयं निरीक्षण करने के लिए मैं सवेरे 7 बजे गया था और उसकी मैंने जानकारी ली है। अधिकारियों ने, अब जो स्पोर्ट्स विभाग के लोग हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम बहुत जल्दी दिसंबर तक इसको पूरा कर देंगे। एस्ट्रोटर्फ की 8 जो लेन्स हैं वो उसकी बन रही हैं और उसके साथ जो सीढ़ियों के बारे में भी उनको निर्देश दिया कि इनकी सीढ़ियाँ भी जितना स्थान है उपलब्ध उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग कैपेसिटी वो बनाई जाए और इस प्रकार वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, ऐसे जो सुविधाएँ जितनी हैं वह दी जाए। बहादुर वाला जो मामला था उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। नहीं, कोई विवाद नहीं है। हमने उस दिन पानीपत में भी कहा था कि जो महान विभूतियाँ होती हैं, महापुरुष होते हैं, वो सब समाज के लिए होते हैं।
हर समाज को अपने अपने ढंग से उसको मनाने के लिए उसका एक स्वतंत्रता होती है। इतना ही है कि कोई किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, सबकी भावनाओं का आदर किया जाए। उसमें राजपूत अपने ढंग से मना सकते हैं, बैरागी अपने ढंग से मना सकते हैं, उसमें सिख अपने ढंग से मना सकते हैं। इतना ही नाम को लेकर के एक विषय था, तो उसमें जो एक अनाउंसमेंट ITI की गई थी, वो बैरागी समाज को कह दिया कि वो उसको माधव दास बैरागी नाम से उसका नाम रखेंगे और बाकी जो गेट्स हैं वो बदना सिंह बहादुर के नाम से रखे जाएंगे। वो विषय शाहबाद लोहगढ़ शाहबाद और कपाल मोचन, तो वो एक प्रकार का विषय अब सॉल्व हो गया, वो समाप्त हो गया। बहुत सारी समस्याएं हैं करनाल में, आपने कहा था समस्याएं सुधर जाएंगी, आज भी एक बच्चे की मौत हो गई वहाँ पर। देखिए, क्योंकि अब मेडिकल प्रक्रिया में उसकी हर एक चीज की जानकारी लेने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या घटना किस कारण से हुई है। कोई भी अगर लापरवाही बरती जाएगी तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। प्रणाली ऑनलाइन चल रही है, कोई किसी प्रकार की शिकायत आज 500 लोगों में से भी कम से कम 100 जो मैंने सुनी है उनमें किसी भी प्रकार की PDS प्रणाली के ऊपर कोई शिकायत नहीं मिली। टोल प्लाजा के लिए हमने IG और हमारे वहाँ के जो विधायक हैं वो लगे हैं बातचीत करके, दोनों पक्षों में बातचीत करके मुझे लगता है एक सप्ताह मटेरियल सही नहीं है। सर, जितनी भी सड़कें कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हम कार्रवाई करते हैं। खास करके मार्केटिंग बोर्ड की सब सड़कों का 1 जुलाई के बाद अब उनका एक प्रकार से उनकी टेस्टिंग होगी और 1 जुलाई के बाद हम सड़कों को उसका मुआयना कराएंगे कि जो कहीं गलती किसी की पाई जाएगी ठेकेदार की अथवा किसी अधिकारी की उसके खिलाफ एक्शन।